तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेगाउस पर। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, हमने इस बार कैटेगराइज कराया यहाँ पर Redmi का K30 Pro। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर K20 काफ़ी ही बढ़िया सक्सेस के बाद यहाँ पर अपना अपग्रेड वर्जन लेकर आ गई कंपनी Redmi का K30 और K30 Pro, दो मोबाइल आने वाले। तो यहाँ हम बात करने वाले K30 Pro की, तो इसके अंदर वो क्या क्या क्वालिटी मिलने वाली है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं। क्योंकि K20 Pro जो प्रोसेसर के लिए माना जाता था, इस बार आपको K30 Pro के अंदर वही चीज़ मिलती है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है काफ़ी अच्छी हद तक बढ़ा दिया। चलिए फटाफट यहाँ पर डिटेल में बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ और क्वालिटी चेंज मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देते हैं फोन की डिस्प्ले क्वालिटी की बात। तो यहाँ पर K30 Pro में आपको मिलता है 6.67 इंच का एमोलेड रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जिसमें 60Hz का आपको डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा फ्रंट में फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी डिस्प्ले की वो आपको यहाँ पर काफ़ी ही बढ़िया मिलने वाली है, क्योंकि एक बड़ा डिस्प्ले साथ ही साथ यहाँ पर इसमें थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, पंच होल नहीं देखने को मिलता आपको, वही जो हमें दिखा था पॉप सेल्फी कैमरा वो यहाँ पर इसके अंदर आपको फ्रंट में पिक्चर में नजर आ रहा होगा, वहीं आपको पंच होल यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए कैमरे क्वालिटी की बात कर लेते हैं, आपको कैसे क्या चेंजेस क्वालिटी के अंदर मिले हैं तो देख लेते हैं। K30 Pro का जो कैमरा है यहाँ पर आपको देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ्रंट के अंदर आपको, तो यहाँ पर पॉपअप सेल्फी नज़र आ रही होगी, रियर साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। तो फ्रंट के हम सेल्फी कैमरा की बात करें जो पॉपअप के साथ आता है, वो आपको मिलने वाला है 20 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन के साथ, मतलब कि जो सेल्फी है आपकी वो काफ़ी हद तक बेहतर होने वाली है। और रियर साइड पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं कंपनी ने, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको प्राइमरी लेंस कंपनी ने दे दिया है। और साथ साथ 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शॉट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, मतलब कि वाइड एंगल की रेंज और प्राइमरी लेंस दोनों ही रेंज यहाँ पर कंपनी ने बढ़ा दी है। 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के आपको डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जो पिक्सल क्वालिटी इमेज की यहाँ पर 9000 to 7000 है, मतलब कि रिजोल्यूशन जो पिक्सल का वो भी यहाँ पर आपको अपग्रेड वाला मिल जाता है, मतलब कि कैमरा क्वालिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव करी है रेडमी K30 Pro के अंदर। तो रेडमी नोट 9 के बाद यहाँ पर ये कंपनी पर जो आने वाला है मोबाइल, यही आपको K30 Pro यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए परफॉर्मेंस क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जो K20 के अंदर हमने देखा था परफॉर्मेंस क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी, K30 Pro में वही काम करा कंपनी ने, इसे रखा है Android 10 के ऊपर बेस्ड। और इसी के साथ यहाँ पर जो प्रोसेसर की हम बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन यहाँ पर आपको मिल जाता है 865 का, और ऑक्टाकोर 2.9 GHz आपको चिप्स प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मतलब बात करें यहाँ पर फुली लोडेड एक गेम परफॉर्मेंस जो K20 के अंदर हमें देखने का काफ़ी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस उसमें रहा था, वही चीज़ आपको K30 Pro के अंदर भी अपग्रेड के साथ मिल जाती है। बिल्कुल नया चिपसेट जो है 865 वो आपको इसमें मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी, जो बेसिक वेरियंट है फोन का वो आपको कैसा आने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो फोन का बेसिक वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है 8GB 128GB के साथ, लेकिन यहाँ पर माइनस पॉइंट ये है रेडमी का कि आप इसके अंदर अपनी मेमोरी अलग से स्टोर नहीं लगा सकते, ये नॉन एक्सपेंडेबल है, मतलब कि 8GB 128GB के रैम रोम के साथ आपको इस फोन को यूज़ करना होगा। लेकिन ये भी कम नहीं होता है, आपकी जो परफॉर्मेंस क्वालिटी है काफ़ी हद तक बेहतर है, तो यहाँ पर आपको लेग वाली प्रॉब्लम तो इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर K30 Pro की बैटरी बैकअप की। तो बड़ा फोन आप चाहते हैं, बड़ा बैटरी बैकअप मिले, तो वही कंपनी ने काम करा है, पर आपको 4700mAh की बैटरी भी मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें मिल जाएगा आपको 33W का फास्ट चार्जर, जिससे आपके फोन को आप फटाफट से चार्ज भी कर पाएंगे, मतलब कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए काफी ही फोन आपका बेहतर होने वाला है। तो यहां पर वीडियो अभी तक लाइक नहीं करते, वीडियो लाइक करना ना भूले। और यहां पर डिजाइन हम बात करें तो पीछे की तरफ आपको फोटोज के अंदर नजर आएगा जो कैमरा पैटर्न है वो काफी बेहतरीन था। जैसे ही फोन लॉन्च होगा तो आपको फुल डिटेल रिव्यू भी यहां पर दे दिया जाएगा इस पर हाथों में रखे के साथ। तो चलिए हमारे पर प्राइस की बात कर लेते और कंक्लूजन पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो स्टोरेज और प्राइस एक्सपेक्टेड जो फोन की है वो आपकी क्या होने वाली है, यहां पर जो 8GB 128GB का फोन का आपको बेसिक वेरिएंट है वो यहां पर एक्सपेक्टेड प्राइस यहां पर 34,999, मतलब 35,000 के समथिंग ये फोन होने वाला है, क्योंकि काफी ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स कंपनी ने इसमें ऐड करे हैं। तो चलिए यहां पर जब भी फोन लॉन्च होगा और एक्सैक्ट प्राइस क्या आती है वो हमें आपको जल्दी से बता देंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन आपका जुड़ जाएगा फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें।